हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर गुरु में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम जिसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कहते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, या किसी भी एग्जाम में जहाँ पे सी पूछी जाती है। वो है 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नेस्टेड इफ क्या है। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। उसी के थ्रू मैंने एक प्रोग्राम बनाया है 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर कैसे प्रिंट करते हैं। एक चीज मैंने इस बार नहीं की है जो मैंने यहां पर आप देख सकते होंगे, 3 नंबर एक साथ इनपुट करा लिए, इंटरनल 3 नंबर, मतलब कोई भी 3 नंबर हम लोग एक साथ भी इनपुट कर सकते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको इंटर द फर्स्ट नंबर फिर स्कैन कराया है, इंटर द सेकंड नंबर फिर स्कैन कराया है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, डायरेक्ट क्या किया है, सीधे इंटर एनी 3 नंबर और 3 वेरिएबल एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी और 3 मॉड्यूल्स b लगाकर मैंने वैल्यू को इनपुट कर लिया है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका है वैल्यू को इनपुट करने के लिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाइनें लिखनी नहीं पड़ेंगी। अब आइए देखते हैं इस क्विक कंडीशन को। अगर सपोज आपके पास ये कंडीशन है A is 5, B 7, C 8, इसका मतलब ए बी सी की 3 वैल्यू है। आपको पता करना है सबसे बड़ा कौन सा है। हमें ऐसे हम देखे तो हमें पता है कि सी सबसे बड़ा है, लेकिन सी कब बड़ा होगा। सी तभी बड़ा हो सकता है जब वो ए से भी बड़ा हो और बी से भी बड़ा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले ए के लिए कंडीशन बनाएंगे। इफ ए, यदि ए बड़ा हो बी से, एंड एंड का साइन यूज करते हैं हम लोग और के लिए, और ए बड़ा है सी से। अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा तो उसके लिए क्या मैसेज प्रिंट करेगा, ए इज बिगेस्ट, मतलब 5 is greater than 7 and 5 is greater than 8। अब देख सकते हैं आप 5 is greater than 7, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इल्स के साथ अलग कंडीशन पे जंप करेगा, इस पे आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब 7 is greater than 5 and 7 is greater than 8, कंडीशन सही है, एंड 7 is greater than 8। लेकिन क्या ये दोनों कंडीशन मिला के सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 is greater than 5 तो सही है, लेकिन 7 is greater than 8 फॉल्स कंडीशन है, इसलिए ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, सी इज बिगेस्ट, इसका मतलब अपने आप क्या मैसेज आ जाए, सी इज बिगेस्ट आ जाए, तो सी इज बिगेस्ट है आपका, क्लियर हो गया। अगर हम हल्का सा चेंज कर लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब 8 is greater than 7 and 8 is greater than 2, ए इज बिगेस्ट। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रोग्राम आपका यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, हमने कहा ए मतलब 8 is greater than 7 and 8 is greater than 2, पहली ही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो पहला ही मैसेज प्रिंट कर देगा, मतलब क्या, ए इज बिगेस्ट। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे बताइए, मैं इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, आइए देखते हैं इसको को एग्जीक्यूट करते कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको अगर कोई इफ रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आपको पूछना है तो मुझे मैसेज पे भेजिए या कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम में आपको जरूर आपको वीडियो बना के भेज दूंगा या आपको पर्सनली जाके बता दूंगा। आइए देखते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये कोड आप लोगों के सामने है 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर के प्रोग्राम का। और ये 3 नंबर देखिए मैंने अलग अलग इनपुट कर लिए हैं ए बी सी में, और पैरा लॉजिक लगाया है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ये सेम वही प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताया था, ये वही प्रोग्राम है। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू मैंने डाल दी 4, बी की 7 और सी की 9, सी इज बिगेस्ट। ये देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा और सी इज बिगेस्ट की वैल्यू आ चुकी है। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 3 नंबर्स में बिगेस्ट नंबर
कौन सा है। इस तरह के बहुत सारे इफ एल्स के आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर आपको इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।